इको जया हो दिया नहीं इंसान इंसान च फर्क हर बंदे दी सोच अपनी अपनी तेरा सजोन जहान च फर्क कई मुकर दिल ते कोई गल पिछे मर दिल हुंदा सिर्फ जबान च फर्क जड़े सांगी मलन उम्मीद नहीं सकदे ए दरी असली मान च फर्क हटियां ते वाणियों दे तो चंगे संगता दे बड़े फखर ते माने होंदे ये है नाज़रीन पंजाब का कल्चर जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसका शौक़ रखते हैं। तो आज हम मौजूद हैं ऐसी ही एक जगह पर जहां पर ये पुराना रवायती तरीक़ा इख्तियार किया गया है। अंकल बता रहे हैं कि अभी भी ये बैलों के साथ हल चलाते हैं और ये जो लकड़ी का आप हल देख रहे हैं ये बैलों के साथ चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ बिल्कुल अभी रवायती देसी तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है। ये मिट्टी का बर्तन है जो इससे पहले कुआं ऐसे चलाए जाते थे। अच्छा, वो लोहे के डोल लगाने से पहले ये मिट्टी के ये लोटा कहते हैं इससे चलाया जाते थे। और इसके जरिए से अभी भी हमको पानी लगाना है और हम कि हम
चारा काटने का Yeah.
हाँ जी सर, फसलों को पानी लगाया जा रहा है। हाँ जी, पानी लगाया जा रहा है, आखिरी पानी लगा। तो लालटेन की भी ज़रूरत पड़ती शाम को? बिल्कुल सर, शाम को ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अंधेरा हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर बिजली का निज़ाम तो नहीं होगा, इसलिए फिर आप ये इस्तेमाल? बिजली का निज़ाम नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसलिए लालटेन लेके चलते। दिखाएं ज़रा लालटेन हमें। ज़बरदस्त। ये देखें दोस्तों, अभी गंदम जो है ये पकने के लिए तैयार है, लेकिन अभी जो है ये हरी है, तो अभी कुछ दिन लगेंगे इसे। तो इसको कितने दिन लगेंगे अभी गंदम को तैयार होने में? सर इसका ना तकरीबन महीना लग जाएगा। महीना लग जाएगा? महीना लग जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ जी, गिर गए थे आप पानी में? अच्छा, बच्चा गिर गया था पानी में। और ये देखें जी, ये सब्ज़ी काश्त की गई है। इस तरफ सूरज ग़ुरूब हो रहा है और इस तरफ चाँद निकल रहा है। ये देखें, ये है लहंदा पंजाब और यहाँ की खूबसूरत शाम।